आपने भी सुना होगा किसने स्टॉक मार्केट से एक साल में लाखों रुपए कमा लिए, और ये भी सुना होगा किसने स्टॉक मार्केट में अपने सारे पैसे लगा दिए और अब ये बर्बाद हो चुका है, इसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, जिससे आपके पैसे बर्बाद होने से बच जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 1, नेवर बोरो टू इन्वेस्ट। जिस तरह मानते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, उसी तरह उधार लेकर या फिर लोन लेकर इन्वेस्ट करना भी उसी तरीके की एक भूल होती है। ऐसा करना कंपाउंडिंग के रूल के खिलाफ जाना माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उधार या फिर लोन लेकर इन्वेस्ट कर दिया और लोन वाला इंसान आपसे हमेशा इंटरेस्ट तो लेगा ही, और इंटरेस्ट वाला अमाउंट धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपके कैपिटल अमाउंट के बराबर भी हो जाता है। दूसरी ओर आपको ये भी पता है कि इन्वेस्टमेंट भी एक टाइप का रिस्क ही है, और लोन वाले पैसे अगर इसमें लॉस हो गए तो आप दोनों तरीके से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए नेवर बोरो मनी टू इन्वेस्ट। नंबर 2, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। वैसे हर नया इन्वेस्टर हमेशा यही तलाश करता रहता है कि इन्वेस्टमेंट का सही समय क्या है, और उन्हें लगता है कि ऐसा सही समय आएगा जिसमें कुबेर जी सारा धन उनके पास लाके दे देंगे। तो भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी आपको लगे कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रॉपर आप प्लानिंग करो, इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट बनाओ, और तभी वो आपके लिए बेस्ट मोमेंट हो सकता है। वैसे मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ये बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे आप तैयार रहें और मिनिमम अमाउंट या पैसे कितने चाहिए होंगे। नंबर 3, अवॉइड इमोशनल इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग की दुनिया में इमोशन से ज़्यादा रिसर्च और डेटा मैटर करता है। कई बार हम किसी स्टॉक को 100 रुपये में खरीद लेते हैं और फिर अगर उस 2 दिन बाद उसका प्राइस 150 हो जाता है तो हम इमोशन में उसे सेल करने का सोचते हैं और 50 रुपये प्रॉफिट बुक करने का भी सोचते हैं। दूसरी ओर अगर हमने किसी स्टॉक को 100 रुपये में खरीदा और 2 दिन बाद उसका प्राइस 50 रुपये हो गया तो यहाँ पे हम नेगेटिव इमोशंस में बह जाते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से सेल कर दें कहीं और ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो हमें इस तरीके की इन्वेस्टिंग से हमेशा बचना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। नंबर 4, रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। आज के टाइम पे जब भी हम अपना फ़ोन ओपन करते हैं या सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो हर दूसरा बंदा स्टॉक की टिप देता हुआ नज़र आता है, और बहुत सारे लोग इस चक्कर में पड़ के स्टॉक बाई करके इन्वेस्ट भी कर देते हैं और बाद में उनको रिग्रेट होता है कि ये बेकार किया। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, इससे आपका लॉस होने से बच जाएगा। अगर आपको स्टॉक रिसर्च के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो आराम से देख सकते हो। नंबर 5, स्टॉप ट्राइंग टू गेट रिच क्विक। ज़्यादातर लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने से वो जल्दी अमीर बन जाएंगे, और जब जल्दी रिटर्न नहीं मिलता उनको तो अपसेट हो जाते हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट से कोई भी जल्दी अमीर नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी बिजनेस में या कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जब उसको प्रॉफिट होगा तभी आपको भी प्रॉफिट होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ही अपने माइंडसेट को ऐसा बनाएं कि इन्वेस्टमेंट से कोई भी जल्दी अमीर बनने की इस तरह की कोई स्कीम नहीं होती, बल्कि ये प्रॉपर कैलकुलेशन और लॉन्ग टर्म गेम है। नंबर 6 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज फॉलो द प्रूवन स्ट्रेटजी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, और फिर उसी तरीके की स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे ज़्यादातर लोग मानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा होता है और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक उसी तरह कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट होता है। इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो और आपको किधर जाना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आपके लिए इस एज में एजुकेशन और लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगनर्स हो और जॉब भी करते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड में SIP करना बेस्ट हो सकता है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।